दुनिया में 2 रुपए से भी कम की कीमत में कहां मिलता है पेट्रोल? टी सीरीज कंपनी में आखिर टी का मतलब क्या होता है? और क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी का नाम जानकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नंबर 1, आपने बटरफ्लाई तो जरूर देखी ही होगी, कितने क्यूट दिखते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसी बटरफ्लाई देखी है जिसके पंख में 89 या 98 लिखा हो? जी हाँ, ये बटरफ्लाइज की एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है जो कोलंबिया साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है डायथ्रिया फ्लोजिया, है ना बिल्कुल अमेजिंग। नंबर 2, क्या आपको पता है मैथ्स में यूज होने वाले इस इक्वल टू के साइन को किसने इन्वेंट किया था? मैं बताता हूँ, इक्वल टू के साइन का इन्वेंट 1557 में रॉबर्ट रिकॉर्ड नाम के एक मैथमेटिशियन ने किया था। इससे पहले लोग इक्वल टू को फुल फॉर्म में लिखते थे, जैसे कि इज इक्वल टू, और इस तरह से इक्वल टू के साइन का इन्वेंट हुआ। नंबर 3, इसके बारे में तो शायद ही आपको पता होगा। गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल टी सीरीज, इसमें टी का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए। टी सीरीज कंपनी में टी का मतलब होता है त्रिशूल, क्योंकि टी सीरीज कंपनी के फाउंडर गुलशन कुमार जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी शिव जी के त्रिशूल के ऊपर ही रखा था, टी सीरीज। क्या आप ये जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 4, हमारे इंडिया में चाहे कोई भी लैंग्वेज में बात हो रही हो, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे हम इंग्लिश में ही बोलना पसंद करते हैं, जैसे कि बैंक, कंप्यूटर और पासवर्ड। ये सभी इंग्लिश वर्ड्स हैं, लेकिन इन सभी को हिंदी में क्या कहा जाता है? अगर आपको नहीं पता तो आज पता लग जाएगा। बैंक को हिंदी में कहते हैं अधिकोश, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, और पासवर्ड का हिंदी मीनिंग होता है कूट शब्द। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे ख्याल से ये सभी वर्ड्स के लिए इंग्लिश ही सही है। नंबर 5, गाइस आप तो जानते ही हैं कि बर्ड्स आसमान में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बर्ड भी है जो कभी उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पंख नहीं होते? उस बर्ड का नाम है कीवी, और ये दुनिया का एकलौता ऐसा बर्ड है जिसके पंख नहीं है। नंबर 6, इस क्लिप में जिस रोड को आप देख रहे हैं, ये कोई आम रोड नहीं है, ये इंडिया का आखिरी रोड है। जी हाँ, द लास्ट रोड ऑफ इंडिया। ये रोड तमिलनाडु के धनुषकोडी में है, जहाँ इंडिया के सभी रोड्स खत्म होते हैं। हर तरफ से समंदर से घिरा हुआ ये रोड दिखने में काफी औसम लगता है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि डॉग्स की स्पीसीज में दुनिया का सबसे हैंडसम डॉग स्पीसीज कौन सा है? जी हाँ, सबसे हैंडसम डॉग स्पीसीज साइबेरियन हस्की। इस स्पीसीज के डॉग को दुनिया में सबसे हैंडसम माना जाता है। ये डॉग्स भेड़िए की तरह दिखते हैं, और इनकी लॉयल्टी और फ्रेंडशिप इन्हें काफी मशहूर बनाती है। नंबर 8, क्या आप कार्टून्स देखते हो? अगर देखते हो तो कौन सा देखते हो? डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, कितरेत्सु, आखिर कौन सा वाला? वैसे मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि क्या आप जानते हैं कि इन सभी कार्टून्स को किसने क्रिएट किया था? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। उस इंसान का नाम है फुजिको फुजियो, और यही वो इंसान है जिसने डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, कितरेत्सु, परमैन, मिस ड्रैकुला और ना जाने कितने सारे कार्टून्स को क्रिएट किया और हमारे बचपन को खुशहाल बना दिया। वैसे इन सभी में से आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 9, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में थॉर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ को कौन नहीं जानता? लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी का नाम क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल गाइस, जब क्रिस हेम्सवर्थ एक्सट्रैक्शन मूवी की शूटिंग करने इंडिया आए हुए थे, तब उन्हें यह यकीन ही नहीं हुआ कि इंडिया में भी लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। क्रिस को इंडिया में इतना प्यार मिला कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही इंडिया रख दिया। जी हाँ, उनकी बेटी का नाम है इंडिया। क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, गाइस आप लोग तो जानते ही हैं कि इंडिया में पर लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन क्या हो अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 2 या 3 रुपए हो जाए? जी हाँ, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 2 या 3 रुपए से भी सस्ता है। यहाँ अरब कंट्रीज की बात नहीं हो रही है,
वो देश जहाँ सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है उस देश का नाम है वेनेजुएला, और यहाँ पर लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 1.48 रुपए है। जी हाँ, दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल यही मिलता है। और रही बात दुनिया के सबसे महंगे पेट्रोल की, तो वो हांगकांग में मिलता है। हांगकांग में पर लीटर पेट्रोल की कीमत 185.60 रुपए है। चौंक गए ना। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।